नमस्कार, एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस दमोह के दमयंती नगर मंडल में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी और दमयंती नगर मंडल के अध्यक्ष पवन तिवारी के नेतृत्व में प्रत्येक बूथ पर धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। भाजपा जिला कार्यालय में भी इस जश्न की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई। स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का देश भर के 10 करोड़ से अधिक कार्यकर्ताओं से संबोधन दिया गया। खास बात यह है कि देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के दमोह जिले के दमोह दमयंती नगर मंडल में भी हर बूथ पर 10 लाख से अधिक कार्यकर्ता तथा एक साथ प्रधानमंत्री जी का सभी के द्वारा संबोधन सुना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के बूथ क्रमांक 167 सेल वार्ड नंबर 2 में आज पार्टी की स्थापना दिवस के उपलक्ष में बूथ पर झंडा वंदन अभियान चलाया गया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो डंडा है जिसमें पार्टी का झंडा है। हमारा झंडा ऊंचा रहेगा और 2023 में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। और मैं आज इस बूथ के माध्यम से कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं वह निराश बिल्कुल ना हो। उनके जो भी काम है, छोटे छोटे काम है, वह अपने वार्ड अध्यक्ष के लिए बताएं, मुझे बताएं और मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके काम होंगे। प्राथमिकता हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। दमोह जिले की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।